नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। बदलते वक्त के साथ साथ दुनिया की हर चीज बदलती जा रही है। हर गुजरता वक्त एक कहानी बनता जा रहा है और पीछे छोड़ता जा रहा है कुछ खट्टी तो कुछ मीठी यादें। हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम भी बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। आज ज़रूरत है कि हम इस वक्त की हर छोटी बड़ी गतिविधि से कुछ सीखते और कुछ समेटते चलें। इसके लिए हम हर महीने आपके पास न्यूज़ डिवाइन लेकर आते हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अनमोल वचन दिव्य वाणी के रूप में वर्तमान सदगुरु माता सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज का मार्गदर्शन सदगुरु आशीष के रूप में और इसके अलावा निरंकारी जगत में होने वाली प्रत्येक गतिविधि की जानकारी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों के सफर की। अगस्त 2016 के समाचारों के साथ सितंबर महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ मुक्ता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिव्य वाणी, सदगुरु आशीष, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब खबरों को विस्तार देते हुए दिव्य वचनों के उस झरने की ओर बढ़ते हैं जो हमेशा किसी मील के पत्थर की तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं और करते रहेंगे। आइए सुनते हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी। महापुरुष संत जन चेतनता की बात करते हैं, सुचेत होने की बात करते हैं, उसका मतलब ही यही है कि इस मन को लगाम दी हुई है। मन को लगाम दी हुई है यानी कि वाणी को भी लगाम दी हुई है। मन को लगाम दी हुई है यानी कि लोभ और प्रलोभन को भी लगाम दी हुई है, क्योंकि अगर ये लगाम नहीं है तो यही मन कितना लोभी हो जाएगा, कितना लालच से भर जाएगा कि अपनों का भी लिहाज नहीं करेगा, उनको भी लूट खाएगा। और यही मन के ऊपर लगाम नहीं है तो वाणी पे भी लगाम नहीं है, फिर वाणी भी अनाप शनाप बोलती चली जाएगी। कोई लिहाज नहीं बड़े बुज़ुर्ग का, कोई लिहाज नहीं कि आसपास कोई माता बहन खड़ी है, ज़ुबान क्या गंदगी बोलती चली जा रही है, क्या गाली गलौच वाले शब्द इस्तेमाल करती जा रही है, क्योंकि ये मन ही नहीं संभला हुआ है। इसलिए महापुरुष संत जन इस मन के ऊपर केंद्रित होते हैं कि कहीं ये मन काबू में रहे, ये मन बेलगाम घोड़ा ना बन जाए, ये मन कड़वा ना हो जाए। इसलिए कदम कदम के ऊपर जब इस निराकार के सुमरण की बात आती है, इसके निराकार के होने की, इसके अंग संग विराजमान होने के एहसास की बात होती है, तो उसका मतलब ही यही है कि ये मन फिर दाएं बाएं नहीं होगा। ये होता ही तभी है जब निराकार को विसारते हैं, जब ज्ञान को विसारते हैं, जब आदेशों उपदेशों को विसारते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं, तो फिर ये मन भी हमारे जीवन के सुंदर रूप की अनदेखी करता है। यकीनन दोस्तों, हमारे प्यारे सदगुरु बाबा जी के ये अनमोल भाव जो हीरे मोती हैं, जो हर पल सवारते रहेंगे हमारी और आपकी जिंदगी, और साथ ही सदगुरु माता सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज जो सदगुरु बाबा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आज हर पल हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं, हमें उसी प्रेम और ममता को संभाल कर रखना है। आइए अब बढ़ते हैं
उन्हीं पलों की ओर और देखते हैं सद्गुरु माता जी की रहमतें सद्गुरु आशीष में। मानव कल्याण के पथ पर आगे से आगे कदम बढ़ाते हुए सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज लगातार संगतों को अपना पावन सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। अगस्त के महीने में भी दिल्ली के बुराड़ी रोड के नजदीक ग्राउंड नंबर 8 में प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु माता जी भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते रहे। सद्गुरु माता जी की छत्रछाया में 7 अगस्त रविवार को सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां दिल्ली व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से भरपूर संख्या में संगतों का आगमन हुआ। भक्ति भरे गीत, व्याख्यान और कविताओं के माध्यम से आए हुए भक्तों ने अपने हृदय के भाव सद्गुरु माता जी के समक्ष प्रकट किए। बैर विरोध नफरत ने छोड़कर प्यार प्रेम अपनाना से इस धरती का कोना कोना प्यार ते स्वर्ग बनाना से। सद्गुरु माता जी ने ध्यान पूर्वक प्रत्येक हृदय के भाव श्रवण की और अंत में आए हुए श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, साथ संगत जी, आजकल CCTV का जमाना है। कहीं भी जाओ, मॉल्स में या इधर उधर शॉप्स में, उधर लिखा होता है आप कैमरे की नज़र में हैं। इतना पढ़ के ही अलर्टनेस आ जाती है इंसान में कि हमने कुछ गलत काम नहीं करना। चाहे वो उधर जो लिखा है सिर्फ लिखने तक हो, कैमरे भले अगर 12 लगे हैं तो एक ही चल रहा हो, या हो सकता है 12 के 12 भी खराब ही हों, पर वो अलर्टनेस पढ़ के ही आ जाती है। सत्संग जी, बाबा जी ने तो ज्ञान देके निरंकार के साथ जोड़ा है हमको, और निरंकार तो देख ही रहा है, तब भी क्या हम इतने अलर्ट रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। सत्संग जी, अवतार वाणी में भी लिखा है, जानन हार प्रभु है जेड़ा, जाने सारे गैबा नूं, इस तों किवें लुका सकता है बंदे अपने ऐबा नूं। इसी प्रकार 21 अगस्त को भी आयोजित सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु माता जी की भरपूर कृपा बरसी। मानवता के मुखारबिंद से देर तक सद्गुरु बाबा जी और परम ममतामयी सद्गुरु माता जी को समर्पित गीत, व्याख्यान और कविताओं का सिलसिला चलता रहा। हम सभी जानते हैं कि मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा इम्बैलेंस मैं कर लेता हूं। मैं निरंकार की कीर्ति तो कर सकता हूं, लेकिन भक्ति सिर्फ और सिर्फ सतगुरु देता है। क्योंकि ज्ञान के बाद 3 चीजें बताई गई थी कि भक्ति इन टोटैलिटी, सेवा सुमरन सत्संग, और ज्ञान का दाता सतगुरु, यानी भक्ति का दाता भी सतगुरु। मैं रोजमर्रा की जिंदगी में निरंकार का आसरा लेने की कोशिश करता हूं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो मुझे सहाई, जिसको बनाना है, वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु होता है। सत्संग कार्यक्रम के अंतिम दौर में सद्गुरु माता जी भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते रहे। अगस्त के ही महीने में 28 तारीख को भी ग्राउंड नंबर 8 में सद्गुरु माता जी की छत्रछाया बरकरार रही। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु भक्तजन देर तक ममतामयी माँ के चरणों में झुककर आशीर्वाद प्राप्त करते रहे और भक्ति भरे भाव शब्दों के रूप में गूंजते रहे। जो सतगुरु कहे उसको मानना ही गुरसिखी है, कोई गुरसिखी नहीं है शास्त्र। बाकी मैं कहूँ, मैं बोलता बहुत हूँ, करता बहुत हूँ, जो ये करता हूँ वो कोई बात नहीं शास्त्र। बात एक ही है कि सतगुरु के हुक्म की पालना। यही शब्द भी है अवतार वाणी का कि गुरसिखा दी ए निशानी, बचन गुरु दा पालन ओ, हस हस के पे पहना मनन, बिचों दुई दुटालन शास्त्र। इसके हुक्म की पालना ही शास्त्र गुरु सीखी है। ममता की छाप मिली,
को पनाह मिली, ममता की छाँव मिली, रूहों को पनाह मिली। मिशन की शिक्षाओं को आगे से आगे बढ़ाते हुए सद्गुरु माता जी ने अपने उद्बोधन में कहा, साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। सात संग जी कल बाबाई के हाथ की लिखी हुई दो लाइनें ऑफिस में नजर आईं। उसमें लिखा था, इफ ओनली आई सॉ सोल्स इंस्टेड ऑफ बॉडीज इन एवरीबडी, हाउ डिफरेंट आइडिया ऑफ ब्यूटी वुड बी। शरीर की सुंदरता तो सिर्फ आँखों तक रह जाती है, पर मन की और अंदर की सुंदरता मन में छाप छोड़ देती है, और यही मन और आत्मा की सुंदरता जो आप महापुरुषों में नज़र आती है वो सबको इम्प्रेस करती है। ये इसलिए है क्योंकि आपको परमात्मा का ज्ञान है, नंकार का एहसास है। साथ संगत जी, जब हम एक दूसरे को धन्यंकार भी करते हैं तो वो सिर्फ शरीर को नहीं हो रही होती, पर उस शरीर में जो परमात्मा का कण है उसको भी हो रही होती है। और ये अगर हम श्रद्धा से एक दूसरे को करते हैं तो मुबारक है, पर अगर हमने सिर्फ एक ये रिचुअल ही बना लिया है या चलो जी धन्यंकार करनी ही है, तो ये हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। सात संगत जी, ये जितने भी सब महापुरुष इधर बैठे हैं ये सब बाबा के प्यारे प्यारे संत हैं, कभी हमसे ऐसे कोई गलती ना हो जाए किसी से भी हमसे कि हम किसी का दिल दुखा दें। इसी प्रकार सद्गुरु माता जी की रहनुमाई में प्रत्येक सप्ताह रविवार ये सत्संग कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। तो दर्शकों, मुक्ति पर्व मनाया जा रहा है ग्राउंड नंबर 8 में। 15 अगस्त का ये दिन है। दिन के करीबन 2:15 बज गए हैं। 34 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त। भीषण गर्मी यहाँ पड़ रही है, लेकिन महात्माओं का, भक्तों का उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो भीड़ है संतों महापुरुषों भक्तों की यहाँ पर, वो देखते ही बनती है। इतनी भारी तादाद में यहाँ पर ना गर्मी इन्हें रोक सकती है ना कोई और कारण। यहाँ पर सिर्फ एक कारण है इनके एकत्रित होने का यहाँ पर, वो है भक्ति, वो है मुक्ति ईर्ष्या से, वो है मुक्ति अहंकार से, वो है मुक्ति नशे से। जो भी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चाहते थे इस मिशन को लेकर, जो भी उनके सिद्धांत थे, जो भी उनकी कोटेशंस थी, आज सभी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जितने भी कहे हुए वचन है होर्डिंग के रूप में यहाँ पर आगे लगाए गए हैं, और सभी यहाँ पर इसी रूप से एकत्रित हुए हैं कि जितना भी जो भी सद्गुरु चाहते थे हमारा जीवन वैसे बन जाए, हम मुक्ति पा सके अहंकार से, ईर्ष्या से, नफरत से। समस्त निरंकारी जगत में 15 अगस्त के दिन को जगत माता बुधवंती जी और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी सहित अनेक परोपकारी संतों की याद में मुक्ति पर्व दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। वर्ष 1980 से लेकर 2015 तक सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छत्र छाया में मुक्ति पर्व समागमों का आयोजन प्रतिवर्ष होता रहा। इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष पहली बार ये ऐतिहासिक समागम संपूर्ण रूप से सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की छत्र छाया में आयोजित किया गया। इस समागम में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों का आगमन हुआ। इस अवसर पर जहां भक्तों ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और माता बुधवंती जी सहित अनेक पुरातन भक्तों के जीवन से प्रेरित गीत, व्याख्यान और कविताएं पढ़ीं, वहीं निरंकारी राजमाता जी और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के परोपकारों को नम आंखों से याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। आज सुबह से ही ये जो मुक्ति पर्व पे हम सब इकट्ठे होके बैठे हैं, और इतने उत्साहजनक जो बातें हम, जो कहानी है, जो महात्माओं की जो सच्ची कहानी है, जो आप बीती हैं, जो इन नज़रों ने देखी हैं, जो महसूस की हैं, वो आप सुन रहे हैं, और उससे हम एक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं
कि हमने भी ऐसा ही बनना है, ऐसा ही विश्वास रखना है, ऐसी ही भक्ति करनी है, ऐसी ही सेवा करनी है। अगर हम पूर्ण विश्वास करके सतगुरु के आगे नतमस्तक होते हैं, तभी जो ये कहते हैं, फरमाते हैं, वो हमारे मन में घर करता है और तभी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वही हमारी आज़ादी होती है। तो इतनी आज़ादी सतगुरु ना देना कि कभी भी आपके चरणों से हम दूर हो जाएं, वो हमें अपने साथ हमेशा इस प्यार की डोरी से हमेशा बांधे रखना। मुक्ति के रास्ते पे चले जो नमन उन्हें, मंजिल से अपनी आके मिले जो नमन मुक्ति के रास्ते पे चले जो नमन उन्हें। आज का दिन मुक्ति पर्व का दिन है। मुक्ति पर्व का अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं, कामनाओं, अभीप्साओं, आकांक्षाओं का त्याग करके स्वतंत्र जीवन जिए, लेकिन साथ साथ महात्माओं ने हमें ये भी बताया कि मर्यादाओं का उल्लंघन करना कोई मुक्ति नहीं है, बल्कि मर्यादाओं का पालन करना मुक्ति है। मुक्ति पर्व के इस अवसर पर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मुक्ति के बारे में कहे गए कथन बार बार स्मृतियों में उभरते रहे। इस अवसर पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें शहंशाह जी के जीवन चरित्र को आरंभ से अंत तक खूबसूरती से पर्दे पर उकेरा गया। लंबी लंबी पंक्तियों में दर्शनों के लिए बढ़ते हुए भक्तों पर सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने भरपूर कृपा दृष्टि बरसाई। बड़े धैर्य और ध्यान पूर्वक हर हृदय की सुनने के पश्चात सद्गुरु माता जी ने अंत में मिशन के पुरातन गुरुओं और संतों के परोपकारमय जीवन को याद करते हुए कहा, सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। मुक्ति पर्व के पे इधर सब आज इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन ही जगत माता ही ने 1964 में शरीर त्यागा, अहंकार में लीन हुए। जगत माता ही का बहुत सादा स्वभाव था, सेवादारों के प्रति बहुत प्रेम रखते थे वो, यहाँ तक भी कि कहीं उनका उनके कपड़े तक खुद धो देना, अगर किसी के कपड़े फटे हैं तो खुद सील देना। सात समय जी 1969 में जब शहंशाह ने शरीर छोड़ा तो शहंशाह जगत माता दिवस का नाम दिया गया आज के दिन को। और बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी अपना पूरी ज़िंदगी इंसानियत के नाम कर दी। जहाँ भी जाए गए, घरों को संवारा, सोसाइटी के लिए भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह उन्होंने बनवाए, सामाजिक और अनेक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम किए उन्होंने, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर भी इस मिशन को आगे बढ़ाया। और राजमाता ही ने पूरा कंधे के साथ कंधा मिला के उनका साथ पूरी तरह से दिया। और बाबा हरदेव सिंह जी के साथ भी टूर करते रहे, कई बार उनकी तबीयत खराब होनी तो उनको कहना, माते आप आराम कर लो, कहते नहीं मैं इसको संगत जाने से मत रोको, मैं संगत में जाती हूँ तो मेरी सेहत ठीक हो जाती है। पर उन्हें भी ऐसा, संगत के बाद जब घर आना तो इतना फ़र्क पड़ा हुआ होता था उनकी सेहत में। बहनों की सेवा दल की स्थापना की उन्होंने और सेवा भावना भी उनमें बहुत थी, कहीं घरों को उन्होंने निखारा सवारा। बाबा गुरबचन सिंह जी ने फिर जब मुक्ति पर्व का नाम दिया, उन्होंने और भी
जो पुराने बुजुर्ग महापुरुष थे, चाहे पाकिस्तान से आए या इंडिया में, ज्ञान लेके उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया, वो हमारे मिशन के फाउंडेशन बने और इतनी मुश्किल हालातों में भी उन्होंने जैसे मिशन का प्रचार किया। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने भी कहने को 36 वर्ष थे, पर अगर घंटों का हिसाब लगाओ तो उन वर्षों में पता नहीं कितने घंटे और जुड़ जाएं, क्योंकि मुश्किल से 3 या 4 घंटे सोना, बाकी टाइम सिर्फ यही था कि इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, दुनिया में निरंकार की जानकारी सबको और कैसे दी जाए, और सामाजिक कल्याण भी, सामाजिक कल्याणों के लिए भी बाबा ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड देश विदेशों में भी बहुत कुछ किया। सत्संग जी, बाबा कहते थे देश को तो आज़ादी मिल गई, क्या हमारी आत्मा को भी आज़ादी मिली है? आत्मा को आज़ादी सिर्फ नंकार प्रभु के साथ जुड़ के ही मिलती है, नंकार का ज्ञान लेने से ही मिलती है, और एक बार जब इसके साथ हम जुड़ जाते हैं और हमको लगता है वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम फादर, तो हमारे अंदर और भी कई कमियां होती हैं जिनसे हमको आज़ादी मिल जाती है, जैसे अभिमान होता है, चाहे वो पैसे का अभिमान हो, चाहे जात पात का अभिमान हो, या अपने औधों का अभिमान हो, अगर हम नंकार के साथ दिल के साथ दिल से जुड़ते हैं तो वो सब कमियां हमारी निकल जाती हैं, उन सबसे आज़ादी हमको मिल जाती है। और दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कल्याण यात्राओं के माध्यम से जहां देश के कोने कोने में बसने वाले भक्तों पर अपार रहमतें बरसाईं, वहीं दूर देशों में भी स्थान स्थान पर रहने वाले लोगों तक, भक्तों तक इस सत्य का प्रचार और प्रसार किया। और यही कारण है कि आज दूर देशों की धरती भी सद्गुरु के पावन प्रेम से महक रही है। And now, it's time to take a look at the various activity of branches of the mission from different parts of the world in the section Mission Overseas. The Sant Nirankari Missions Atlanta, USA branch organized the annual Festival of India along with the Indian American Cultural Association, or the IACA, at Gwinnett County Infinity Energy Center on August 6, 2016. The event was organized on the occasion of celebrating 70th Indian Independence Day. SNM volunteers set up a Oneness and Humanness exhibition and also organized a blood drive and free health seminar. There were more than 7,000 people, including many celebrities, who attended and appreciated the event. The goal of Sant Nirankari Mission is to promote oneness and humanity. What does oneness and humanity mean to you? For me, oneness and humanity is about just treating people equally, respecting them no matter what race, what their skin color is, and what religion they believe in. I think it's really important to see everyone as human and not just separate by feeling prejudiced and get relating into just because you're believe in one religion and that's share one thing in common. I think everyone should respect all humans. Right now I'm at the exhibition center of the Festival of India. This is hosted by the Sant Nirankari Mission. To the side, you're going to see images upon images of our mission representing oneness and humanness. And we've got a video playing, displaying our culture, of displaying our history, and displaying just all the acts of seva that we have done thus far. Since its inception in 1929, in the city of...
The Sadhu Nirankari Mission also helped host a health seminar which focused on nutrition and very valuable lessons just on how to take care of your body, which was hosted by Dr. Harpreet Singh from Michigan. Sadhu Nirankari Mission also helped host a blood drive today, which is a semi-annual event that Atlanta hosts. And out of 100 people that registered, 35 people were able to donate blood, which is a really big deal considering the amount of people that visited us today and saw our mission, as well as donating to help save a life. The Sadhu Nirankari Mission represents humanness and oneness. Chris, what do you think about humanity? Well, I mean, we're all part of humanity. So again, going back to why I give blood, I think it's the right thing to do to help each other out. We're all brothers and sisters. So anything we can do to help each other out is a good thing. I thank Nirankari, Sant Nirankari Mission for doing a big, massive blood drive. I see SNM volunteers all over. I go down, I go up, everywhere I see SNM. And not only they are helping us with the blood drive, but they have also helped us prepare for the festival. As Americans, we escaped through great and brutal force. India escaped by peaceful and civil disobedience. When you look at what the world's largest democracy in India was able to achieve through oneness of spirit as a people, that has never been replicated anywhere else on the planet. The Indiana and Cincinnati USA branch of SNM organized a blood donation camp on the occasion of Mukti Parv in August 2016. Similar camps were also organized at many other centers of the mission worldwide, including Ghana in Africa and Abu Dhabi in UAE. The Mukti Parv Samagam was held at many places globally in remembrance of the life and teachings of various saints who upheld and spread the ideology of the mission despite all odds, including Shehensha Baba Avtar Singh Ji, Mata Budhwanti Ji and Nirankari Rajmata Ji. As a tribute to Baba Hardev Singh Ji and his life, and to apply Sant Nirankari Mission's teachings, SNM Dallas organized a Oneness Walk on Saturday, 20th of August 2016. The event was held at Josie Park, Carrollton, Texas. The goal was to convey the idea, embrace unity, irrespective of religion, color, or creed. The devotees of the mission also shared the message of oneness, the basic ideology of the mission. The Indo-American community of the San Francisco Bay Area in USA celebrates Festival of Globe event every year.
The signature event of the festival is the FOG India Day Fair and the Grand Parade. This year, it was celebrated on Sunday, August 14th in Fairmont, California. SNM participated in the Grand Parade lineup with its Sevadal band and Sevadal members carrying posters with His Holiness Baba Hardev Singh Ji's messages. The SNM Toronto branch participated in the India Day Parade held at Dundas Square, Toronto downtown to celebrate Independence Day of India. We celebrated the Independence Day of India at the Panorama India Day Parade in Toronto, Ontario. The event commenced with a welcome from the Council General of India, Mr. Dinesh Bhatia, and many Bollywood celebrities. Jai Hind! Jai Hind! The Sant Nirankari Mission participated in the parade with performances such as a Lazium dance, Marathi dance, band, a kid's song and dance, and the float of humanness. The float represented the various values of the mission, such as unity and diversity, universal brotherhood, oneness, and humanness. Well, this event, it's actually showcasing Indo-Canadian unity and diversity. So we are showcasing our unity and diversity by, you know, getting involved in this event as well. We also had a Sant Nirankari Mission booth set up in the event, where the mission's philosophy was shared with the public. Many people stopped by the booth to learn more about the mission. The Council General of India, Mr. Dinesh Bhatia, appreciated the vision and effort of the mission in promoting humanness. Independence Day is not only about freedom of land, but also about the freedom of spirit and mind. The volunteers of the Chicago branch of SNM participated in a workshop to share and discuss as to how can the message of His Holiness Babaji be taken to the people in a more meaningful way. The Chicago branch of the mission has been active in many community contributions. Let us take a look at this report. Our first initiative was a prominent Chicagoland organization called Mercy Home for Boys and Girls. This organization serves as a residential and educational safe haven for hundreds of kids who have experienced neglect and/or abuse in their childhood. The service opportunity was essentially setting up and facilitating an outing for the children at an annual picnic hosted by the organization. The Chicago youth had the opportunity to play games, serve food, and share some laughs with the children. The organization lead, with whom the youth had coordinated, was so touched by all the youth's lively engagement and loving personalities that she was in tears as she said goodbye and mentioned with overwhelmed joy, "Your organization is a true blessing to us." The Chicago youth look forward to fostering this relationship and contributing to this organization for many years to come. A tribute to humanness was held in Singapore in loving memory of Baba Hardev Singh Ji. Several pathway events were held in the build-up to the tribute, including a beach cleaning in conjunction with the Siglab South Community Center, a blood donation at Health Science Authority, a run for humanness, yoga and games at the Marina Barrage, a Sevadal rally and Sufi night at Laguna Park, an exhibition on humanness and teachings of Baba Hardev Singh Ji before the final tribute to humanness convention at the Sindhu House. तो देखा दोस्तों आपने, देश के बाहर की अगर बात हो, जहां भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा हो, आजादी का जश्न हो, ग्रैंड परेड हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, या फिर वननेस वॉक हो, इवेंट कोई भी हो, उसके मूल में, उसकी जड़ में केवल एक ही बात है, मानवता का, प्रेम का और भाईचारे का प्रचार प्रसार करना। और यही कामना, यही कोशिश हम भी लगातार करते आ रहे हैं न्यूज़ डिवाइन के माध्यम से। इससे पहले आगे बढ़ें, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
और आइए खबरों की इस लड़ी में ब्रेक के बाद एक बार फिर जुड़ते हैं न्यूज़ डिवाइन की कुछ खास खबरों के साथ। अब हम आपको लिए चलते हैं निरंकारी मिशन की उन गतिविधियों की ओर जहां संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा अगस्त के महीने में भी अनेक प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य संपन्न किए गए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के मार्गदर्शन में समय समय पर निरंकारी मिशन के द्वारा अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। विगत वर्षों से SNCF के द्वारा जहां स्थान स्थान पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता रहा, वहीं स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2015 से प्रत्येक माह में एक दिन देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों की सफाई भी की जाती रही। इसी लड़ी में सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की रहनुमाई में अगस्त के महीने में दिनांक 13 को स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान का 10वें चरण का सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें निरंकारी मिशन के सेवादारों और SNCF के वॉलेंटियर्स के द्वारा राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों के हर परिसर की सफाई की गई। दिल्ली के अलावा ये सफाई अभियान मुंबई के अनेक रेलवे स्टेशनों सहित देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर भी चलाया गया, जहां पर सेवादारों और SNCF के वॉलेंटियर्स ने बड़े उत्साह और लगन से इन रेलवे स्टेशनों को चमकाया। कहीं पर भी स्टेशन पे एक कचरा भी नजर नहीं आता मैम, आप लोग जब से स्टेशन पे हैं। ये सफाई जो है वो भगवान का दूसरा रूप है, इससे बहुत बीमारियां जो है नष्ट होती हैं और आने वाला कोई भी अजनबी हो या अपने देश का या बाहर देश का, वो सफाई को देख कर खुश होता है। आई एम निकिता, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अभी ग्वालियर से मैं आ रही हूँ दिल्ली। यहाँ पे निरंकारी ग्रुप की तरफ से सब सफाई अभियान चल रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हम सबको इस चीज़ के लिए जागरूक होना ज़रूरी है कि हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, रियली हैप्पी टू सी इट एंड आई थैंक यू फॉर हैविंग दिस थिंग डन। मैं भगवान दास गुप्ता, बाई प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और दिल्ली में ही रहता हूँ। और जब वो नीचे से मैं ऊपर आ रहा था तो मैंने जो सफाई कर रहे थे उनसे पूछा कि आज कोई मिनिस्टर वगैरह आ रहा है क्या, बिकॉज आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा भी होता है। लेकिन जब मैंने जैकेट्स पहने हुए और टी शर्ट्स पहने हुए कुछ लोगों को देखा तो मेरा मन हुआ कि मैं उनसे इंटरेक्ट करूँ और मैंने उनसे पूछा ये सब क्या है। तो जब उन्होंने बताया कि संत निरंकारी समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं तो आई वॉज लिटरली सरप्राइज एंड आई एम थ्रिल्ड टू नो इट कि 450 लोग इस संगठन के और इस तरह का सेवा का काम कर रहे हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आप सब हम सब लोगों के लिए आदर्श हैं। जी मैं स्वाति नोएडा से आई हूँ। मैं अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती हूँ एज कंटेंट राइटर और मैं अपनी फैमिली को रिसीव करने आई थी। वेट ही कर रही थी कि देखा बहुत सारे लोग सफाई कर रहे हैं ब्लू टी शर्ट्स पहन के। मैं उस टाइम सोच ही रही थी कि ये क्या हो रहा है, तब तक अनाउंसमेंट सुनाई दी और पता चला कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के अराउंड 50 स्टेशंस में ऐसा काम कर रही है। सुन के बहुत अच्छा लगा और मोटिवेशन मिला कि अगर हम कुछ करना चाहें तो एक साथ अगर आगे आएँ तो स्वच्छ भारत अभियान भी हम पॉसिबल करवा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज और आई होप कि आप और बहुत सारी लाइक स्टेशंस और मतलब ऑल अराउंड द कंट्री अपना ये जो एफर्ट है वो फैला सके। मैं राजन बोल रहा हूँ। मैं वैसे प्रॉपर गोरखपुर का हूँ बट सूरत में काम करता हूँ। मेरा ऐसे दिल्ली आना जाना रहता है। इनिशियल के कई लास्ट वीक में कई बार देखा कि यहाँ काफ़ी गंदगी थी और गवर्नमेंट भी कोई इनिशिएटिव जैसे लगता है लेती नहीं। बाकी पुरानी दिल्ली और गुजरात मुंबई ये जगह देखे तो दिल्ली से काफ़ी साफ सुथरा है, बट ये संत निराकारी जो संस्थान है इन लोगों के जो भी प्रोफेशन में लोग इन्वॉल्व हैं अपना ये काफ़ी कीमती टाइम निकाल के जो भी ये समाज सेवा कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है और सराहनीय है। गवर्नमेंट को इनको काफ़ी हेल्प करना चाहिए। बाकी मैं इनको ऐसे कामों के लिए अपनी तरफ से शुक्रिया अदा अदा करना चाहता हूँ। माझं नाव निलेश बोबडे आहे। मी अमरावती वरून आलेलो आहे आणि इथे दिल्लीला मी फर्स्ट टाइम आलेलो आहे आणि दिल्लीला मी पाहिलं की सुरुवातीला उतरल्याबरोबर की निरंकारी ट्रस्टतर्फे फाउंडेशनतर्फे हे जे स्वच्छता अभियान आहे हे एकदम चांगल्या प्रकारे चालू आहे आणि पूर्ण सर्वीकडे धुऊन पुसून पूर्ण साफ करत आहे। आपण आपल्या घरी पण एवढं साफ करू नाही शकत जेवढं हे निरंकारीवारे लोक करून राहिले, यांचे फाउंडेशनचे प्रत्येक मेंबर करून राहिले आणि या फाउंडेशनतर्फे जे चालू आहे याकरिता मी त्यांचा पण आभारी आहे। इसी प्रकार अगस्त के महीने में स्वच्छता अभियान के साथ साथ ही पर्यावरण को सुंदर स्वच्छ बनाने हेतु संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिनमें
पंजाब में भटिंडा, महाराष्ट्र में उल्हासनगर प्रमुख स्थान रहे। इस अभियान में मिशन के सेवादारों और SNCF के वॉलंटियर्स ने पेड़ लगाकर धरती को प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान दिया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा मानव हित में किए जा रहे इन कार्यों को समाज के हर वर्ग द्वारा सराहा जाता रहा। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा सफाई अभियान चलाकर जहां देश को स्वच्छ बनाने हेतु योगदान दिया जाता रहा, वहीं 7 अगस्त को मिशन के अंतर्गत आने वाले सरोवर परिसर के हर कोनों को भी SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा विधिवत रूप से साफ किया गया। NDTV द्वारा आयोजित एक लाइव प्रोग्राम में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे सफाई अभियान के लिए मिशन को सराहा गया और मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने SNCF के वॉलंटियर्स का उत्साह वर्धन किया और मिशन के इस कार्य की प्रशंसा की। महाराष्ट्र में जितनी लगन आप लोगों की वजह से हुई है वो पूरे देश भर में एक तरह से एक एग्जाम्पल एक बन गया है और इसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं। रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के इस कथन को सार्थक करने के लिए वर्षों से मिशन की ओर से देश विदेशों में हर साल रक्तदान शिविर लगाए जाते रहे हैं। अगस्त के महीने में भी सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी के मार्गदर्शन में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से ब्लड डोनेशन की ये लड़ी चलती रही। इन रक्तदान शिविरों में हजारों की संख्या में निरंकारी भक्तों द्वारा रक्तदान किया गया। सतगुरु माता जी की कृपा से SNCF की ओर से जहां देश विदेश के अनेक स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, वहीं रक्तदान के प्रति जनमानस को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक स्थानों पर रैलियां भी निकाली गई। अगस्त के ही महीने में 1 तारीख को उदयपुर में हरियाली अमावस्या मेले के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा प्याऊ का स्टॉल लगाया गया, जिसमें SNCF के वॉलंटियर्स ने स्वच्छ जल पिलाकर जन सामान्य की सेवा की। सतगुरु माता जी की छत्र छाया में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे मानव हित कार्यों की श्रृंखला में अगस्त के महीने में SNCF की ओर से उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित अनेक क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की गई, जिसमें भोजन, दवाइयां और कपड़े इत्यादि के द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन समाज के उत्थान के लिए भी निरंतर काम कर रही है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जहां 2 अक्टूबर सन 2014 को भारत स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी, उससे पहले भी निरंकारी मिशन की ये फाउंडेशन विभिन्न रूपों से स्वच्छता में कार्यरत थी। अगर बात करें भारत के रेलवे स्टेशंस की, तो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ये पहल रही सन 2015 से लेकर अब तक। और ये बहुत ही मुबारक है कि रेलवे का ये सफाई अभियान अगले महीने पूरा 1 साल कर लेगा। जी हाँ, भारत के तकरीबन 50 रेलवे स्टेशंस को साफ करने का बीड़ा उठाया है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने, और हर महीने ये गतिविधि होती भी है। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे न्यूज़ रिवाइंड के अगले एडिशन में हम आपको रेलवे सफाई अभियान का ये पूरा साल ज़रूर दिखाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा न्यूज़ रिवाइंड अब उस पड़ाव पर आ गया है जहाँ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक खास मेहमान से। आज कौन खास मेहमान है, आइए देखते हैं और सुनते हैं उनसे हमारी बातचीत के कुछ अंश। We are now in conversation with some of the delegates from the local Vaishnav temple. With me is Narayan Ahuja ji and Dev Bhatia ji. Please share your thoughts as well also. First of all, it's my very first experience in the life to come in this mission, and I congratulate Sant Nirankari Mission with they are doing a marvelous job, and I'm feeling like it's a privilege for me. I feel honored to come over here, especially for the humanity. I saw a lot of new cultures are coming, new organizations are coming, but I won't believe that I'm here and see all this passion, and the people are so graceful. When I talked to 2-3 people and I met with them, it looked like it's a new family. And when you see over here, you're looking like you're going towards the spirituality, and this is the real spirituality I saw over there. I can show with the proud that this is the only mission who is getting a lot of progress and going to the right part of the humanity. And really, in the future, if any these kind of function comes in India, I'll be more than happy to come over here. Well, thank you so much. That definitely means so much to us. Dev Bhatia ji,
you know, in the temple, in a mosque, in a gurdwara, in a church, the fact still remains that there is only one God. Absolutely. And we are children of the same one God. What would you like to say to all of our viewers, just to emphasize that we are one? It is no use, you know, bringing up differences. There should be unity in diversity. Share your message with all of our viewers. You know, it's very difficult to say. Everybody knows that it's a one God. Doesn't matter you go to any culture, any organization. But I just want to say to the viewers, just come over here one time and you're going to see exactly what is the life, where is your goal. I was just, you know, listening to a couple of bhajans inside and the speeches over there. They are so dedicated. You know, I already opened my ashram too. I am also working with that. But when you see these people, what they are talking about, they are really on the right path. So when you come over here, just spend only 2 hours and I'll be 100% I can give the guarantee they can see what is the God as only one. Dev Bhatiaji, I applaud your you know, support, your confidence that yes, definitely, because there is nothing above spirituality. We say jab iski mehar hoti hai to hamare sab kaam apne aap mehar se hi chalte chale jate hain. Dev Bhatiaji and aap Narayan Ahuja ji, thank you so much, and thank you so much to Vaishnav Temple for showing us the support, and thank you so much for talking to News Divine. Thank you. उम्मीद करते हैं कि हमारे खास मेहमान से हुई ये बातचीत आपको भी प्रेरणा देकर गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जहां आप निरंकारी मिशन की इस महीने की अन्य गतिविधियों से अबरूबरू हो पाएंगे। वर्षों से सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी के मार्गदर्शन में महिलाओं और बच्चों के आध्यात्मिक विकास के लिए जहाँ स्थान स्थान पर महिला समागम, बाल समागम, इंग्लिश मीडियम समागम आयोजित होते रहे, वहीं समय समय पर अनेक प्रकार के ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाए जाते रहे। इसी लड़ी में सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी की रहनुमाई में अगस्त के महीने में भी मिशन के प्रचार विभाग की ओर से अनेक स्थानों पर प्रचारक ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए, जिसमें मिशन के प्रबंधकों को प्रचार संबंधी जानकारी दी गई। इसी प्रकार मिशन के प्रेस एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से अगस्त के महीने में गुजरात में एक मीडिया वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें युवाओं को मीडिया के कार्यों से विधिवत रूप से प्रशिक्षित किया गया। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 20 अगस्त को संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल्स के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर श्री ए के सक्सेना ने बच्चों के इस जन जागरूक प्रयास की सराहना की और बच्चों और उनके अभिभावकों का धन्यवाद किया। मैनेजमेंट सर, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल ऑफ निरंकारी गर्ल्स स्कूल, प्रिंसिपल ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स एंड एकेडमिशियंस कमिंग फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ निरंकारी स्कूल, my dear parents as well as my very very dear students, this is indeed a pleasure to come here, to visit here. I have interacted with the students and I believe that to parents particularly I would like to say that the future of your children is in not only safe hands but in the safest hands. Let's really appreciate the work of the staff, appreciate the work of academicians coming here, and naturally the guidance, the noble guidance of our senior sirs. 29 अगस्त को निरंकारी कॉलोनी स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी की याद में एक सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निरंकारी कॉलोनी के आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में बहनों ने पहुंचकर राजमाता जी के तप, त्याग और परोपकारमय जीवन को याद किया। इस कार्यक्रम में बहन सुदीक्षा जी ने ममतामयी राजमाता जी की शिक्षाओं का हवाला देते हुए कहा, माताजी ने हमेशा यही सिखाया कि सद्गुरु को रिश्ते से मत बांधो, सद्गुरु सबका सांझा है और जितना भी हम सद्गुरु को सद्गुरु मान के उनके प्रति अपनी आस्था रखें, उतना ही हम अपने लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। अब समय के सद्गुरु माताजी से हम
पूरा उनको भी उस वही वाली श्रद्धा दे सकें जो अभी तक राजमाता जी ने सिखाई है। इसी प्रकार बहन सुदीक्षा जी ने निरंकारी कॉम्प्लेक्स में प्रत्येक बुधवार होने वाले सत्संग में पहुंचकर सेवादारों को सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी और बाबा जी की शिक्षाओं के प्रति जागरूक किया। तो दोस्तों, न्यूज डिवाइन का ये सफर अब यहीं संपन्न होता है। आपके फीडबैक और सजेशंस का हमें इंतजार रहेगा। अगले महीने की 10 तारीख को सितंबर महीने की खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। आप सब सद्गुरु माता जी की छत्र छाया में खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ दीजिए इजाजत हमारी पूरी टीम को। नमस्कार, धन निरंकार।